सुप्रभात प्यारे बच्चों हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे प्यारे बच्चों आज हम पाठ पाँच दोस्त की मदद का पठन करेंगे इस कहानी में एक लोमड़ी और एक कछुआ दोनों बड़े अच्छे मित्र होते हैं तो लोमड़ी अपने मित्र की चलाकी से किस प्रकार सहायता करती है इस पाठ में हम पढ़ेंगे तो आइए पाठ पढ़ते हैं किसी तालाब में एक कछुआ रहता था तालाब के पास मांद में रहने वाली मांद किसी जंगली जानवर के रहने का स्थान एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई दोस्ती यानी कि मित्रता एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे गपशप का अर्थ होता है बातचीत कि एक तेंदुआ वहाँ आया दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुँच गई पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुँच सका तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया कछुए को कहीं छुपने का मौका ना मिला तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर सख्त यानी कि कठोर खोल का अर्थ होता है चमड़ी पर खरोंच तक नहीं आई लोमड़ी अपनी मांद से ये देख रही थी उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची तरकीब का अर्थ होता है उपाय सोचा उसने मांद से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ कहा तेंदुए जी कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ आसान का अर्थ होता है सरल इसे पानी में फेंक दो तो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा चाहो तो आजमा कर देख लो आजमा कर देखो काट होता है परख कर देख लो तेंदुए ने कहा ठीक है अभी देख लेता हूँ ये कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया बस फिर क्या था गया कछुआ पानी में तो इस तरह लोमड़ी ने अपने प्यारे मित्र कछुए की मदद की और उसे तेंदुए से बचा लिया प्यारे बच्चों अब आप एक बार फिर से इस पाठ को पढ़ने का प्रयत्न करें और दी गई कार्य पत्रिका पर कठिन शब्दों को पढ़ें व लिखें धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे